brought to you by ITIL. ये तस्वीरें झारखंड की है। तपती धूप में प्रोटेस्ट कर रहे ये लोग जेएसएससी सीजीएल के छात्र हैं। जेएसएससी सीजीएल यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। राज्य के तमाम सरकारी नौकरियों के लिए ये परीक्षा करवाई जाती है। जो छात्र अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इस परीक्षा में बैठे थे और इनकी मांग है कि जेएसएससी सीजीएल का पेपर रद्द किया जाए। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि आरोप है कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया, यानी फिर वही ढाक के तीन पात। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे कई राज्यों के बाद अब झारखंड में परीक्षा की शुचिता भंग होने के आरोप लगे हैं और छात्र आक्रोशित हैं। 6 अक्टूबर से ही सोशल मीडिया पर #cancelJSSCCGL ट्रेंड कर रहा है। ये परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2024 को हुई थी। अब पेपर कैंसिल कराने की मांग कर रहे छात्रों के दो आरोप हैं। पहला तो ये कि पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो चुका था और दूसरा ये कि रीजनिंग और मैथ्स के कई सवाल रिपीट हुए थे। छात्रों के आरोप पर आयोग ने कहा कि अगर वाकई पेपर लीक हुए हैं तो उसका पूरा सबूत दिखाइए। छात्रों ने कुछ पेपर और सीडी सबूत के तौर पर पेश किए, लेकिन उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए। छात्रों का कहना है कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सीधे कोर्ट में ही दिखाएंगे। दूसरी तरफ आयोग का तर्क है कि छात्रों ने जो सबूत दिए हैं वो पेपर कैंसिल करने के लिए काफी नहीं है। जेएसएससी ने कहा कि छात्र 7 अक्टूबर तक कोई ठोस सबूत जमा करें, नहीं तो आयोग अपने हिसाब से फैसला करेगा। इन्हीं बातों के बीच छात्रों का प्रोटेस्ट तेज होता जा रहा है। जेएसएससी सीजीएल की ये परीक्षा, जिसे अब रद्द करने की मांग की जा रही है, वो सितंबर से पहले इस साल जनवरी में भी कराई गई थी। 28 जनवरी को हुई इस परीक्षा में भी परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था। परीक्षा का प्रश्न पत्र और आंसर की एक रात पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। छात्रों ने इसके खिलाफ पूरे राज्य में प्रोटेस्ट किए, जिसके बाद पेपर कैंसिल कर दिया गया। तय हुआ कि अब ये पेपर 21 और 22 सितंबर को आयोजित होगा। पेपर से पहले माने 20 सितंबर को एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया। बताया गया कि पेपर सही तरीके से हो सके इसके लिए 21-22 सितंबर को पेपर की टाइमिंग के दौरान मोबाइल इंटरनेट, मोबाइल डेटा और मोबाइल वाईफाई कनेक्टिविटी अस्थायी तौर पर बंद रहेगी। इसे लेकर भी खूब बवाल मचा था। बात झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंची थी। हालांकि केस कोर्ट में जाने का इंटरनेट बैन पर कोई असर नहीं पड़ा। दोनों दिन परीक्षा के समय इंटरनेट बंद रहा। मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। सिस्टम में इतने लूपहोल हैं कि इंटरनेट बंद करने के बाद भी कथित तौर पर पेपर लीक हो गया। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 8 साल से भी ज्यादा समय से लटकी हुई है। साल 2016 में झारखंड में बीजेपी सरकार थी, मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। जेएसएससी की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 21 अगस्त 2016 को प्रस्तावित थी। इसके लिए 6 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी करने की बात हुई, लेकिन परीक्षा पूरी नहीं हो पाई थी। इसके बाद आयोग ने 2017-18 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया। सीजीएल परीक्षा फरवरी मार्च 2018 में कराने की बात हुई, पर परीक्षा नहीं हुई। फिर कहा गया कि पेपर नवंबर दिसंबर 2019 में होगा, लेकिन इस बार भी नहीं हो पाया। फिर साल 2020 में प्रदेश में सरकार बदली। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में हेमंत सोरेन की सरकार बनी। नई सरकार ने नए सिरे से परीक्षा कराने की बात कही। 5 मई 2021 को परीक्षा का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। मई 2022 में परीक्षा होनी थी। फिर कहा गया कि 21 अगस्त 2022 को परीक्षा होगी, लेकिन उससे पहले 28 जुलाई 2022 को परीक्षा स्थगित कर दी गई। इसी तरह पेपर स्थगित करने का सिलसिला चलता रहा और आ गया साल 2024, यानी वो साल जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप अपनी स्क्रीन पर इसे देख रहे हैं। इस साल जनवरी में पेपर तो हुआ, लेकिन सवाल पहले ही लीक हो चुके थे, जिसकी वजह से उसे भी कैंसिल कर दिया गया। अब छात्र सितंबर वाले पेपर को भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मामले में आयोग का जो भी फैसला आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस खबर के लिए सारी जानकारी मेरी साथी विभावरी और प्रशांत ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।